Hello guys, welcome to our YouTube channel Law Lust. This side is Desh Tyagi, a final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover a landmark case of Family Law 2 and the name of the case is Hanuman Prasad Pandey vs. Musammat Babuji Munraj Kunvare. Let's start with the facts of the case. देखिए इस केस में फैक्ट्स क्या होते हैं, एक विडो वुमन होती है एक फैमिली में और उसका एक इन्फेंट बच्चा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये फैमिली है इनके एंसेस्टर्स ने एक डेप्ट ली होती है, एक लोन लिया होता है जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी पर होता है। अब वो वुमन करती क्या है, विडो वुमन शी मोर्गेजेज द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी टू पे द एरियर्स। उस डेप्ट पर, उस लोन पर जो भी पेनल्टी लगी थी, जो भी एरियर्स लगे थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको पे करने के लिए ये वुमन क्या करती है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर देती है। When his son becomes major, जो infant child था, जो इस widow का child था, जब वो major बनता है, he challenges the mortgage by saying that her mother was not the co-partner, she was only the guardian, so she has limited power. The property was joint Hindu family property and my mother can't mortgage it without my consent. तो इनके son का कहना यह था कि जो मेरी mother थी वो co-partner नहीं थी, तो कर्ता नहीं बन सकती, वो सिर्फ मेरी guardian थी, तो मेरी guardian होकर नाते मेरी property mortgage करने से पहले मेरी permission लेनी पड़ती है, तो जो कि इस केस में इन्होंने permission नहीं ली। तो इन्होंने इनका एक इनके son का यह कहना था कि जो ये mortgage इन्होंने किया है ये valid नहीं है। तो इस केस में यही इशू था, whether the alienation done by the guardian of the family is binding upon the family or not, कि जो joint हिंदू family property का alienation होता है guardian द्वारा, वो family members पर binding होता है या नहीं होता है। देखिए इस कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया था दैट द पावर ऑफ गार्डियन फॉर एन इन्फेंट हायर टू चार्ज एन एस्टेट इज़ लिमिटेड पावर एंड इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ लीगल नेसेसिटी। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा था कि जो पावर होती है गार्डियन की वो एक लिमिटेड पावर होती है, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है और वो सिर्फ एक कब यूज़ की जा सकती है, और लीगल नेसेसिटी के केस में यूज़ की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था दैट द एलिनेशन बाय द गार्डियन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड शुड नॉट बी मैलिफाइड। और तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी दैट इन द प्रेजेंट केस देर वॉज नो सजेशन दैट द डेप्ट ऑफ द इन्फेंट फादर वॉज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इलीगल और इमोरल पर्पस। और इस केस में कुछ फैक्ट्स में ये भी गिवन नहीं था कि जो एंसेस्टर्स ने डेप्ट ली थी, जो लोन लिया था, वो इमोरल या इलीगल पर्पस के लिए लिया गया हो। तो इस केस में ये सारी ऑब्जर्वेशन का यही कहना था कि जो लीगल नेसेसिटी है उसके लिए गार्डियन अगर हमारा एलिनेट करता है प्रॉपर्टी, तो वो फैमिली मेंबर्स को बाइंड होगा। तो इस केस में डिसीजन ये आया था दैट द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू गवर्नमेंट वाज लीगल नेसेसिटी एंड देयरफॉर द एलिनेशन विल बी बाइंडिंग ऑन द सन। तो इस केस में डिसीजन ये आया था कि जो एलिनेशन हुआ था मदर द्वारा वो उसके सन पे बाइंडिंग होगा, क्यों, क्योंकि वो इनका गुड इंटेंशन था, दैट वाज नॉट मैलिफाइड एंड दैट एलिनेशन वाज फॉर द पर्पस ऑफ लीगल नेसेसिटी। वो लीगल नेसेसिटी क्या थी, जो उनके, जो उस सन के उनके एंसेस्टर्स ने जो इनकी लोन लिया था, डेप्ट लिया था, उसको पे करने के लिए, ताकि वो बाद में प्रॉपर्टी पे बात ना आ जाए, इसलिए मोर्गेज किया गया था। तो यही था गाइस इस केस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।